लंबे समय तो चलता आ रहा कौमी साफ मोर्चा YPS चौंक विखे लगया होया है, जिस दे चलदे होए अज प्रशासन अते कौमी साफ मोर्चे की तालमेल कमेटी दे विच एक फैसला लिता गया कि चंडीगढ़ नूं जान वाली रोड नूं खोल दिता जावे, जिस दे चलदे होए जगतार सिंह हवारा दे पिता गुरचरण सिंह हवारा ने कहा कि रोड खोलन लई मेरी सहमति नहीं है, जे मेरे साइना नूं धोखे नाल करवाया गया है ते वकील उसदे जिम्मेवार हन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 7 जनवरी तो जिहड़ा कौमी मुद्दा लैके कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या चंडीगढ़ की बूहां ते, उस दिन जिस दिन असी गुरद्वारा अंब साहब तो अरदास करके गुरु के चरणों वो काफिला तुरिया तो इस जिथे स्थान है प्रशासन ने सानू जबरदस्ती रोकया गया, क्योंकि साड़ी मनसा सी जिहड़ी चंडीगढ़ जाण दी, क्योंकि गवर्नर भी चंडीगढ़ है CM भी चंडीगढ़ है, सो सानू जबरदस्ती रोकया गया। 2 महीने प्रशासन ने कोई हिलजुल कोई साढ़े खिलाफ कार्रवाई नहीं की, परंतु उस तो कुछ दिन बाद एक बंदे वालों रिट पवाई गई जिहड़ी सरकार ने आप उन्होंने प्रमोट करके रिट पवाई हाई कोर्ट च। सो हाई कोर्ट च जिहड़ी तरीकां लगदियां रही, पहला जज साहब सरकारां नूं UT सरकार ते पंजाब सरकार नूं हदायत करते रहे भी इन्हां दा मसला जिहड़ा वो धार्मिक मसला तुसीं बैठ के हल करो। सो वो हल करन दी बजाए हुण वो जज नूं पता नहीं की होया की नहीं, उहदी मैं तां कहां जमीर मर चुकी है भी जिहड़ा एक बंदे दी पटीशन ते इन्नी जल्दी प्रशासन भी ते अदालतां भी हरकत आ रही, तकरीबन 5 महीने बाद ही वो आर्डर छड़ाने जा रहा है जिहड़ा अज कल 5 सितंबर मोर्चा चक्कण दा जां रस्ता खोलण दा। सो मैं उस जज साहब नूं पुछना चाहुंदा भी जिन्हां दे केस जिन्हां दी कोर्ट वल्लों मिलियां सजावां डबल कट चुके 28 साल 30 साल 32 साल, की उहनां दा अपना कोई हक नहीं, उहनां नूं अदालतां दा फर्ज नहीं बणदा उहनूं रिहा करन दा? गुरु ग्रंथ साहब दी होईयां बेअबदियां दा इंसाफ नहीं देण वास्ते सरकारां तैयार कोर्टां? सो इस करके जिहड़ा अज कल नूं 1 तरीक है 5 सितंबर नूं जिस दिन कोर्ट आर्डर करन जा रही है, परंतु प्रशासन साढ़े ते दबाव पा रहा भी ये गेट रास्ता खोलण दा। सो मैं स्पष्ट करना भी ना मैं रास्ता खोलण वास्ते सहमति देनी है ना मैं सहमत है। मेरे खिलाफ ये भी प्रचार किया जा रहा कि बापू जी की सरकार नाल कोई सहमति हुई है, मैं स्पष्ट करना गुरु नूं हाजर नाजर जान के भी रास्ता खोलण बारे बापू की कोई सहमति नहीं, भावें कोई साढ़े बंदे भी सरकार के हक च भुगतण मैनू कोई इतराज नहीं, पर मैं स्पष्ट करना ये पुआध का इलाका जिहड़ा खड़िया मेरे नाल खड़िया, क्योंकि ना असी रास्ता बंद करिया ना असी अपने हाथ तो खोलना, जे सरकार नूं साढ़े तो खिलाउणा सी जिन्हां मुद्दों नूं लैके असी मोर्चा लाया घट्टो घट्टी सरकार हल कर दी, जहेदार जगतार सिंह हवारा नूं जिन्हां दा हक बनता कानूनी हक बनता भी पंजाब च उन्हां दे केस हैं 2015 च जिन्हें दिल्ली च केस सी सारे खत्म हो गए, परंतु उस दिल्ली सरकार उन्हां नूं पंजाब शिफ्ट नहीं कर रही, बार बार प्रशासन नाल साडियां मीटिंगां होईयां, सरकार प्रशासन सानू एक वादा भी करदा रहा भी असी उहनूं जल्दी इत्थे मोहाली कोर्ट च पेश करके तुहानूं मीडिया नूं सारा इस बारे पता भी उहनूं पंजाब दी जेल च शिफ्ट कर देना, परंतु सरकार उस ते भी सहमत नहीं हो रही। सरकार 1% भी जिस दिन तो 8 महीने तो साडा मोर्चा लग्या 1% भी साडा कोई सानू जिहड़ी मंगा ते असी मोर्चा लाया इंसाफ देण नूं तैयार नहीं। सो मेरी यही बेनती है संगतां नूं कि गमराह ना होण प्रचार तो, मेरे खिलाफ भी प्रचार किया जा रहा जथेबंदियां वालों भी कई निजी तौर पर भी कि बापू जी बिक गया, बापू जी सरकार दे हक च भुगत रहा, बापू जी ना बिकेगा ना झुकेगा। गुरु ग्रंथ साहब दे अगे अरदास करके बापू जी ने मोर्चा लाया उस ते पाबंद रहिंदा होया, मैं अपने हथ अपनी जबान तो ना सरकार नूं कोई सहमति देनी है रास्ता खोलण दी, ना अपने हथ नाल खोलना, सरकार दे मर्जी है जो पुरातन सरकारां सिखां ते जबर करदियां आईयां उही अज सरकारां जबर कर रही हैं। सो इस जबर का मुकाबला असीं सबर नाल करांगे।